प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के हवाले से आपके आईक्यू का किरदार सिर्फ पंद्रह फ़ीसद है और आपकी जज्बातीहानत का किरदार पचासी फीसद है डिनाइल ऑफ इमोशंस में जब आप जाते हैं तो आप अपने इमोशंस को छुपाते हैं आपको अपने इमोशंस को इजहार करना नहीं आता पेट्रोकल सोसाइटी में अ सोसाइटी वेयर देर इज़ अ मैन डोमिनेंस वहाँ पे मर्दों को इस तरह रेस किया जाता है कि मर्द तो रोता नहीं है वो लोग के जो अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को डिवेलप करना चाह रहे हैं वो अपने इमोशंस को विजिलेंटली ऑब्जर्व करना शुरू करें बड़े बड़े अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे गुस्से के आलम में किसी को गाली देते हैं गुस्से के आलम में वो किसी की जान ले लेते हैं देखें कभी ऐसा तो नहीं ना हुआ कि किसी ने हंसे मुस्कुराते हुए कहा हो जाते हैं तलाक से तक ठीक है गुस्से में कहते हैं न अगर आप इमोशनली वीक हैं तो कोई भी शख्स आपको कोई भी बात करके इमोशनली uh, हाईजैक करेगा और आप उसकी पर्सनैलिटी के ज़ेर असर आके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे हम नफ़रत खुले आम करते हैं मैं कहता हूँ हमें मोहब्बत खुले आम करनी चाहिए हमें मोहब्बत का प्रचार करना चाहिए अपनी लाइफ में कोई ऐसा बड़ी ज़रूर रखें कि जिसके साथ आप बैठ के आप मन की हर बात शेयर कर सकें हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जुबान से तो कहते हैं कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया लेकिन वो शख्स जब भी हमें मिलता है या जब भी उसका जिक्र होता है हम माजी के सारे के सारे चैप्टर्स को दोबारा से खोलते हैं असलामेकम व्यूअर्स मैं हूं आपकी होस्ट जवेरिया तारीख और आज का हमारा पॉडकास्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस पे कि हम किस तरह से खुद को इमोशनली इंटेलिजेंट बना सकते हैं और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ एज यूज मौजूद हैं लीडरशिप ट्रेनर और लाइफ कोच सर हैंफात तो चलें हैं उनसे जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस उनके नजदीक क्या है सर कैसे हैं आप सलाम मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से काफ़ी बेहतर हूँ उसकी वजह यह है कि लास्ट कपल ऑफ डेज में आई वाज संग्राम फीवर फ्लू बैड और मेरे कुछ ट्रेनिंग सेशन hmm. भी पोस्टपोन हुए और uh, कुछ ट्रेनिंग सेशंस ऐसे थे जो फुल डे वर्कशॉप थी विद पाकिस्तान कस्टम सर्विस पंजाब आईटी बोर्ड तो लेकिन कुछ चीज़ों को आपने कमिट किया हुआ होता है सो यू हैव टू योर कमिटमेंट्स तो uh, बोल बोल के फिर गला ज्यादा खराब हो गया देन आई रेस्ट और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ फुली रिकवर तो नहीं हुआ नहीं। और uh, आपको आवाज़ से भी थोड़ा महसूस हो रहा होगा कि मैं कोई ज़्यादा बोल भी नहीं सकता exactly. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आज का पॉडकास्ट है इसको हम बड़ा ही टू पॉइंट रखें exactly. ज्यादा चीज़ों को हम एक्सपेंड hmm. ना करें बिल्कुल और आज क्या डिस्कस करने जा रही हैं आप आज हम आपसे बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन तो करेंगे कि हमारे व्यूवर्स को बताएं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है अच्छा जवेरिया ऐसा एस, है कि आ, जो ह्यूमन पर्सनालिटी है इसकी कुछ ऑर्बिट्स हैं इसकी कुछ डोमेन्स हैं इसकी एक ऑर्बिट आपके कॉग्निटिव को एड्रेस करती है आई I मीन mean, आपके इंटेलेक्ट को एड्रेस करती है कि आपकी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ्स क्या हैं कॉग्निटिव लैंडस्केप कॉग्निटिव फैकल्टीज कितनी स्ट्रॉग हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी का एक पहलू आपकी स्पिरिट के रिलेटेड है जो आपकी रूह को डिफ़ाइन करता है कि आपका जो स्पिरिचुअल कोशंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है इसी तरह जो आ, इंसानी शख्सियत का एक पहलू उसकी फिजिकल फिटनेस को डिफ़ाइन करता है कि आप फिजिकली कितने फिट हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन पर्सनैलिटी की डोमेन है इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस जिसको हम इमोशनल डोमेन कहते हैं अब ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक आपकी इमोशनल ऑर्बिट के साथ है इमोशनल डोमेन के साथ है आ, इंसान एक जज्बाती मखलूक है हमारे अंदर इमोशंस पाए जाते हैं और हम अपने इमोशंस को डिफरेंट तरीक़ों से एक्सप्रेस भी करते हैं हम उनको चैनलाइज भी करते हैं When it comes about emotional intelligence, specifically, तो मैं इसको बड़े ही सादा अंदाज में इस तरह डिफ़ाइन करूँगा कि आप अपने इमोशंस को कितना अंडरस्टैंड करते हैं और आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हुए उनको किस अंदाज से चैनलाइज करते हैं किस अंदाज से मैनेज करते हैं उसके साथ साथ आप सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द लोगों के इमोशंस को कितना समझते हैं और उनके इमोशंस को समझते हुए आप अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ कैसे कैरी करते हैं कैसे आप निभाते हैं इसका मतलब ये है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये दो लेवल्स पे फंक्शन कर रही है एक आपका इंडिविजुअल लेवल है कि इंडिविजुअली आपको अपने इमोशंस की कितनी अंडरस्टैंडिंग है और आप समझते हैं कि मुझे गुस्सा कब आता है क्यों आता है किन सरकमस्टैसेस में आता है मैं स्ट्रेस में क्यों चला जाता हूँ मुझे किन चीज़ों का फियर है और मैं किन लोगों से मोहब्बत करता हूँ मैं अपनी मोहब्बत के जज्बात को किस तरह चैनलाइज करता हूँ उसके साथ साथ इसका जो दूसरा लेवल है वो सोसाइटल लेवल है कि आप सोसाइटी में अपनी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं जो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं उन रिलेशनशिप्स को निभाने के हवाले से उन उनको अंदाज में कैरी करने के हवाले से दूसरों के जज्बात की कितनी अंडरस्टैंडिंग करते हैं और उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हुए आप अपने रिलेशनशिप्स को किस हद तक बेहतर अंदाज़ में निभाते हैं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली ये है कि हम ख़ुद के इमोशंस को कैसे समझें तो मुझे इससे एक बात याद आ गई एक्चुअली मेरे माइंड में बड़ी देर से बात थी कि इंसान एक किताब की तरह है जिस तरह हम एक बुक को रीड करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए आई I मैन mean, उसको रीड करते हैं इसी तरह हमें ख़ुद को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले रीड करने की ज़रूरत है तो आपने ये तो बताया कि बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है बट हमें ये बताएं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ओके वेरी नाइस अच्छा ये आपने बड़ा ही पर्टीनेंट क्वेश्चन पूछा है देखें जवेरिया इमोशनल इंटेलिजेंस उतनी ही पुरानी है जितना जितनी इंसान की एग्जिस्टेंस पुरानी है एज ए सडी एलियर के इंसान के अंदर इमोशंस हैं और इंसान अपने इमोशंस को डिफरेंट तरीक़ों से एक्जिबिट करता है एक्सप्रेस करता है या इंटरनलाइज करता है या एग्जिट करता है लेकिन हमने ये देखा कि मॉडर्न वर्ल्ड में डैनियल गोलमैन ने एक किताब लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस जिसमें उसने इस इम्पोर्टेंट स्किल की इम्पॉटेंस को ना सिर्फ हाईलाइट किया बल्कि उसने ये बताया कि हम अपने अंदर इस स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं अब एज फार एज द क्वेश्चन यू टॉक्ट अबाउट के वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस तो मैं जनरली एक बात कहा करता हूँ कि आई क्यू गेट्स यू हायर ई क्यू गेट्स यू फायर आर प्रमोटेड। अगर मैं इसको सादा से एक्सप्लेन करूँ तो देखें जब भी हम अपने करियर प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो आपने बहुत से ऐसे नौजवानों को देखा है कि जिनकी सी बहुत अच्छी होती है उनके मार्क्स ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं वो अपने साउंड एक करियर की बुनियाद पर एक बैकग्राउंड की बुनियाद पर किसी भी कॉरपोरेट इदारे में जब जॉब करते हैं तो उनको जॉब तो मिल जाती है लेकिन दो ही महीने के बाद पता ये चलता है कि उनको उस जॉब से निकाल दिया गया है उसकी वजह ये होती है कि उनके पास आईक्यू तो होता है लेकिन उनके पास जिस बात की जहानत नहीं होती वो इमोशनली इतने ब्लैंक होते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता कि उन्होंने अपने बॉस के साथ अपने जूनियर्स अपने सीनियर्स अपने कोलीग्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को कैरी कैसे करना है तो इस पे वो डैनियल गोलमैन की रिसर्च ये बताती है कि अमली ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो करियर प्रोग्रेशन के हवाले से प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के हवाले से आपके आई क्यू का किरदार सिर्फ पंद्रह फ़ीसद है और आपकी जज्बातीहानत का किरदार पचासी फीसद है hmm. तो इट मींस के वो लोग के जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने करियर लेडर में मज़ीद प्रोमोशंस चाह रहे हैं वो करियर प्रोग्रेशन करना चाह रहे हैं तो उनको अपनी जज्बाती सहानत पे कॉन्शियसली काम करना है और जब आप इमोशनली स्ट्रॉग होते हैं तो आप प्रोफेशनली ग्रो करते हैं तो ये एक पहली मैंने आपके साथ इसकी इंपॉर्टेंस शेयर की कि करियर प्रोग्रेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है ठीक है सेकेंड थिंग मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ बड़ी एक सादा सी मिसाल दे रहा हूँ कि एक ऐसा इंसान जो कार्डियोलॉजिस्ट है और जो दिल का ऑपरेशन बहुत अच्छे से कर लेता है लेकिन उसको नहीं आइडिया कि उसने अपनी बीवी के जज्बात को कैसे समझना है या अपने बच्चों के इमोशंस को कैसे समझना है अपने रिलेशनशिप को अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे कैरी करना है या आप एक ऐसा शख्स के जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत ग्रो कर रहा है लेकिन उसको नहीं आइडिया कि उसने अपने ड्राइवर माली चौकीदार हाँ के साथ कैसे बिहेव करना है और हम देखते हैं कि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी हमने हाँ रखा वो एक हफ्ते के बाद भाग गया हमारे पास कोई ड्राइवर आता है तो वो ड्राइवर जॉब छोड़ के, के चला जाता है तो जब हम थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं मजीद डिक डाउन करते हैं तो पता है ये चलता है कि मसला ड्राइवर माली चौकीदार के साथ नहीं है मसला आपके टेम्परामेंट के साथ है क्यों है। क्योंकि आप इमोशनली इतने ब्लैंक हैं इमोशनली आप इतने इम्बेलेंस्ड हैं कि आपको आइडिया ही नहीं कि आपने अपने करीबी लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को कैरी कैसे करना है तो होता यह है कि बाहर एक ऐसा शख्स के जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कामयाब है जब आप उसकी पर्सनल लाइफ देखते हैं तो पर्सनल लाइफ में हमें पता चलता है कि जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि वो शख्स के जो एक बहुत अच्छा इंजीनियर है डॉक्टर है टीचर है आ, वो एक बहुत अच्छा बिज़नेसमैन है वो अपनी बीवी के साथ अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाप अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को कैरी नहीं कर पाता और वो इंसान जो अपनी पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स को अच्छे से कैरी नहीं करता वो कभी भी खुशगवार ब्लिसफुल ज़िंदगी नहीं जी सकता क्योंकि आपकी एक खुशगवार कामयाब जिंदगी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स को अच्छे अंदाज से कैरी कर सकें तो ये दूसरी मैंने आपको वजह बता दी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इम्पोर्टेंट अच्छा देखिए आपने बात की है कि बहुत से लोग होते हैं बड़े अच्छे होते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बट अगर उनकी मतलब पर्सनल लाइफ में देखो तो उनको अपने रिलेशन संभालने नहीं आ रहे होते तो मुझे इस पर यह बताएं कि मतलब क्योंकि क्या वजह कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपने घर वालों पर निकालते हैं या वो इमोशनली डिप्राइव्ड होते हैं देखें जवेरिया ऐसा है कि साइकोलॉजी में हम ऐसे अफराद को कहते हैं कि ये टॉक्सिक पॉजिटिव होते हैं या इसको हम कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब ये है डीनाइल ऑफ इमोशंस हर इंसान में इमोशंस हैं लेकिन डिनाइल ऑफ इमोशंस में जब आप जाते हैं तो आप अपने इमोशंस को छुपाते हैं hmm. आपको अपने इमोशंस को इजहार करना नहीं आता आई I मीन mean आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दूसरे लोगों के साथ एक कॉस्मेटिक स्माइल पास कर रहे हैं लेकिन एट द मोमेंट आप घर में एंटर हुए हैं तो आपकी जो ऑफिशियल जो मेट्री है वो इतनी सड़ी हुई है कि आपको कभी तो फीक नहीं हुई कि आप अपने बच्चों के साथ अपनी स्पाउस के साथ अम्मा बाप के साथ आप मोना जैसी स्माइल पास कर लें राइट right? तो आ, मैं कहता हूँ कि इमोशनल डिनाइल नहीं होना चाहिए हमें अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जो आ, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ब्लैंक होते हैं उसके पीछे अगर हम देखें तो उनकी नर्चरिंग आ, का बड़ा इम्पॉटेंट रोल होता है कि उनको किस तरीके से रेस किया गया है आ, वो बच्चे जो ऐसे घर में परवरिश पाते हैं कि जहाँ पे इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है जहाँ पर बच्चे की इमोशनल नीड्स को एड्रेस नहीं किया गया जहाँ पे उसको प्यार मोहब्बत शफकत अफेक्शन नहीं मिली जहाँ पे उस पर ट्रस्ट नहीं किया गया तो उन बच्चों के अंदर अफेक्शन डेफिसिट पैदा होता है उन बच्चों में अटेंशन डेफिसिट पैदा होता है वो बच्चे ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार होते हैं और यहीं बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि उन्होंने अपने जज्बात को कैसे मैनेज करना है और उसके साथ साथ उन्होंने दूसरों के जज्बात को समझते हुए अपने रिलेशनशिप्स को कैसे कैरी करना है सो अच्छा so, तो। यही वो लोग हैं कि जो अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर लटते झगड़ते नजर आएंगे उनके टेम्परामेंटल इश्यूज होंगे मोड्स डिसऑर्डर्स होंगे और वो जो आपने पहली बात कही थी वो बात मेरी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी मुझे ज़रा मुकम्मल करने दें आपने बीच में सवाल पूछ लिया था कि ई क्यू की इम्पॉर्टेंस क्या है तो मैं उसकी अगली जो एक थर्ड जो इम्पॉटेंट एलिमेंट है कि हम ई क्यू को क्यों आज डिस्कस कर रहे हैं या ये स्किल सीखना क्यों इम्पॉर्टेंट है तो जवेरिया उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली साढ़े सात करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस एंगजाइटी और डिप्रेशन समेत किसी न किसी मसले में फंसे हुए हैं एंड दे आर इलेक्टेड टू बेदर आर साइकोलॉजिस्ट साइकट्रिस्ट साइकोथेरापिट ड्यू टू सोशल स्टीरियोटाइप्स एंड टैबूज और जब हम इसकी रीजनस uh, को डिक डाउन करते हैं तो पता है ये चलता है कि बेसिकली ये लोग इमोशनली इतने ब्लैंक इमोशनली इतने इम्बेलेंसड होते हैं कि अल्टीमेटली आप को जब टेम्परामेंट uh, के इश्यूज़ आते हैं आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन डेवलप होता है आपके अंदर एक बिहेवियर डेवलप होता है तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में आइसोलेशन का बायस बनती हैं क्योंकि किसी को भी कोई सड़ा हुआ इंसान पसंद नहीं, नहीं है आपके अंदर अगर एक इंपल्सि बिहेवियर है आप सबके साथ अपने मूड्स के जेरे सर आके अपने तलुकत को कैरी करते हैं तो लोग क्या कहते हैं लोग कहते हैं ये बंदा बड़ा मूड ही है exactly. जब इसका मूड होता है तो ये अच्छे से बात कर लेते हैं जब इसका मूड ठीक नहीं होता तो इसको तमीज ही नहीं है कि बात कैसे करनी है बिल्कुर. तो जब आप के अंदर इम्पल्सिव बिहेवियर होता है तो लोग आपको अवॉइड करते हैं hmm. आपने देखा है कि ऑफिसिस में या घरों के अंदर एक सड़ा हुआ इंसान ऐसा जरूर hmm. होता है कि वो चाहे दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड ब्राउनी पहन ले चाहे वो खादी का सूट पहन ले या ताना बाना का सूट पहन ले लगता वो जहर है एग्जैक्टली exactly. क्यों जहर लगता है क्योंकि वो बिहेवियर शो करता है में तोला में माशा और लोग जब देखते हैं कि ये बदतमीज़ है इसके अंदर एक चिड़चिड़ापन है तो लोग उसको अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं जब वो आइसोलेशन में जाता है तो अल्टीमेटली वो डिप्रेशन में जाता है उसके अंदर एक अफसरदगी आती है बेचैनी बेसकूनी डेवलप होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर साइकोटिक डिप्रेशन में चला जाता है तो इट मीन्स के वो लोग के जो इमोशनली ब्लैंक हैं दे, देर आर चांसेस कि वो लोग फिर नफसियाती मसाइल को भी फेस करेंगे ठीक है और लास्ट इसकी जो रीज़न मैं समझता हूँ कि ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई अगर आपने एक खुशगवार जिंदगी जीनी है अगर आप एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारना चाह रहे हैं और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में हो सोसाइटी के हाथ में ना हो कि कोई भी ऐसा शख्स के जो आपको एक स्टेटमेंट बोल के एक जुमला बोल के आपकी शख्सियत आपके जज्बात का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले और आप उस शख़्स के एक जुमले एक बात की वजह से अपना सारा दिन जो है वो बर्बाद कर ले तो इट मींस के आप इमोशनली इतने वीक हैं कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आपकी शख्सियत का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं है बल्कि सोसाइटी के हाथ में है इसको मैं बड़े ही सादा मिसाल से अगर एक्सप्लेन करूं तो फ़ॉर एग्जांपल गाड़ी आपकी है खरीदी आपने है गाड़ी आपके नाम पे है लेकिन कोई भी एरा गहरा शख्स उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठता है और वो आपकी गाड़ी को हाईजैक करके अपनी मर्जी से आपको किसी नई मंजिल पे ले जाता है तो इट मींस के अगर आप इमोशनली वीक हैं तो कोई भी शख्स आपको कोई भी बात करके इमोशनली हाईजैक करेगा हुँ। और हुँ। आप उसकी पर्सनैलिटी के जेर असर आके अपनी जिंदगी को गुजार रहे होंगे तो अगर आप एक सॉलिड किस्म की स्ट्रॉन्ग किस्म की पूर्वकार, खुशगवार और बैलेंस्ड किस्म की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो आपके अपने पास हो आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकें अपने तरीके से कंट्रोल कर सकें और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे जब आपको पता होगा कि मैंने अपने इमोशंस को किस तरह अंडरस्टैंड करते हुए मैनेज करना है अच्छा आपने बात की है अब देखें इस टाइम बहुत से लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन डेवलप हो रहा होगा एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि हम चाहते हैं इमोशनली स्ट्रॉग होना बट हम नहीं हो सकते हैं क्योंकि हर किसी के कंट्रोल में इमोशंस नहीं होते हर किसी का नफ्स उसके काबू में नहीं होता तो आप ये बताएं कि हम किस तरह से इस चीज़ को डिवेल्प कर सकते हैं देखें जीवरिया ये चीज़ें सारी गूगल पे पड़ी हुई हैं लेकिन मैं इसको इस अंदाज से डिफ़ाइन करूँगा कि वो इंसान जो आज का पॉडकास्ट सुने तो वो इमोशनली इतना स्ट्रांग हो कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सके क्योंकि आपकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है आपकी जो मेंटल हेल्थ है इमोशनल हेल्थ है उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ है देखें जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इट मींस के इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल मैनेजमेंट ऑन एट इंडिविजुअल लेवल एंड एट सोसाइटल लेवल अगर मैं इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस की बात करूं, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि वो लोग के जो अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाह रहे हैं वो अपने इमोशंस को विजिलेंटली ऑब्जर्व करना शुरू करें इसको मैं कहता हूँ इमोशनल विजिलेंस अब इमोशनल विजिलेंस कैसे होगी इसका बड़ा आसान आसान तरीका है देखें जवेरिया जो लोग कारोबार करते हैं तो वो क्या करते हैं वो अपने कारोबार का प्रॉपर हिसाब किताब रखते हैं वो एक लेजर बुक बनाते हैं जिसमें वो एक साइड पर अपने इनकम लिख रहे होते हैं दूसरी साइड पर वो एक्सपेंस लिख रहे होते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ उनको पता चलता है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है इसी तरह हम चूंकि एक इमोशनल क्रिएशन है तो हमारे अंदर जो इमोशंस हैं वो सारा दिन जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं कभी हम हैप्पीनेस की स्टेट में होते हैं कभी हम सैडनेस में चले जाते हैं कभी हम एंगर की स्टेट में होते हैं कभी हम फियरफुल फील करे होते हैं कभी हम सरप्राइज फील कर रहे होते हैं तो ये कुछ बेसिक इमोशंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इमोशनल विजिलेंस का मतलब ये है कि किसी भी खास इवेंट पर किसी मौका पर किसी स्पेसिफिक मोमेंट में आप किस किस्म की इमोशनल स्टेट में हैं आप उस इमोशनल स्टेट में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या उस सिचुएशन को कैसे रिस्पोंड कर रहे हैं और आइडियली उस इमोशनल स्टेट में आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था बिल्कुल इस हवाले से मैं अपने कोचिस को ये कहता हूँ कि आप इमोशनल विजिलेंस लॉग बुक बनाएं और उस लॉग बुक को बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि यार एक दिन में एक हफ्ते में एक महीने में किन किन इमोशंस को आपने ऑब्जर्व किया आप किस किस इमोशनल स्टेट में थे उस इमोशनल स्टेट में आपने उस इमोशन को कैसे रिएक्ट या रिस्पोंड किया और आइडियली आपका रिस्पोंड क्या होना चाहिए तो मैं इसको एक मिसाल से बताने की कोशिश करता हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे गाड़ी ड्राइव करते हुए एक ऐसा शख्स है कि जिसने आपको साइड करवा दी या एक ऐसा शख्स है कि जो वन वे की खिलाफ वर्सी करता हुआ आया और वो आपकी गाड़ी के बिल्कुल सामने आते हुए आपकी गाड़ी से टकराते टकराते बच गया लेकिन अल्टीमेटली आपको गुस्सा तो आएगा इट्स वेरी नॉर्मल सो आपने क्या किया कि आपने अपनी इमोशनल विजिलेंस को मेंटेन करने के लिए इमोशनल बुक पे डेट एंड इवेंट लिखा और चूंकि उस वक्त आपको गुस्सा आया था तो आपने क्या किया कि नेक्स्ट कॉलम में आपने इमोशन की जगह पे लिख दिया एंगर अब नेक्स्ट कॉलम में आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्ड लिखा जाएगा तो आपने उस वक्त क्या रिएक्ट किया क्या आपने उसको गालियां दी क्या आपने उसको घूर के देखा क्या आपने अपने इमोशंस को नॉन वर्बली वेंट आउट किया तो आपने वो रिएक्शन लिख दिया फिर अगर आपने उसको पूरी विजिलेंस के साथ समझते हुए आपने अपनी जस्पाती सहानत का इजहार करते हुए अगर उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया तो आप वो लिखते हैं और फिर आप लास्ट पे ये लिख सकते हैं कि आइडियल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था कि जिसमें आप खुद भी बर्न आउट ना करते या दूसरा शख़्स भी आपकी भी वर्बल, वर्बल या नॉन वर्बल एब्यूज से हर्ट ना होता तो आप लेट्स सपोज एक महीने में जितने भी इमोशंस को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जब आप उन सारी की सारी इमोशनल स्टेट्स को लिखते हैं आप अपने रिस्पॉन्स को अपने रिएक्शंस को लिखते हैं और फिर आप सेल्फ़ पॉन्ड्रिंग करते हैं आप गौरव फिक्र करते हैं और आप देखते हैं कि यार मैंने फ्लाम ओके पे मुझे गुस्सा आया था फ्लाम मौका पर मैं फियरफुल फील कर रहा था फ्लाम मौका पे मैं स्ट्रेस में था या मैं सैडनेस में था तो मेरे क्या-क्या शन -क्या या रिस्पॉन्सेज थे या आइडियल रिस्पॉन्स क्या होने चाहिए थे। मतलब कि जर्नलिंग ही हो गई ना मतलब यस तो अब देखें कि अगर पूरे महीने का एक फ्रेमवर्क आपके सामने आ जाए आ जाता है तो आपको पता ये चलेगा कि कौन सा इमोशन है जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है कौन सा इमोशन है जो सबसे ज्यादा आपको हाईजैक uh, करने की कोशिश करता है और किस इमोशन के हवाले से आप बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रिएक्शन दे रहे हैं तो जब इमोशनल विजिलेंस होगी तो इसी चीज को हम कहते हैं इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस जो इमोशनल exactly. इंटेलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अब जब अवेयरनेस होगी तो फिर ही मैनेजमेंट होगी ना अगर आप अपने इमोशंस के हवाले से अवेयर ही नहीं है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है कब आ रहा है मैं बैठे बैठे सैडनेस में क्यों चला जाता हूँ मैं अगर स्ट्रेस में जाता हूँ तो मेरे स्ट्रेसर्स कौन कौन से हैं मैं किन लोगों के साथ बैठता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है किन लोगों के आने से किन लोगों की कंपनी में मेरी हैप्पीनेस गायब हो जाती है मैं मुझे नौकरी से हाथ धोने का खौफ है मुझे भूखा मरने का खौफ है मुझे किस चीज़ का फियर है मेरी लाइफ में अप्रीहेंशन कौन सी हैं कौन कौन से खदशात है? हैं तो जितनी आप इमोशनल तो तो आप से अच्छा आप... जी जी आप अच्छा... जी जी आपने भी बात की है कि हम अपने इमोशंस को यूज करना सीखें ठीक है तो बहुत से लोग हमारी सराउंडिंग्स में आजकल ऐसे हैं जो कि बैठे बैठे जोन आउट हो जाते हैं तो बिलाव जोन आउट कोई नहीं होता हमें बताएं कि इसके पीछे क्या वजह जोन आउट होना बेसिकली क्या है Uh, देखें एरिया इसकी मल्टीपल रीजंस हैं और अब थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा कि मैं एक ही फ्लो में अपनी बात अलेबरेटिव uh, वे से अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर सकूं mm -hmm. पहली बात तो ये है कि जो जें है दे हैव एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आपके पास इंफॉर्मेशन की भरमार है इंटरटेनमेंट uh, इंडस्ट्री आपको हर लम्हा एंटरटेनमेंट दे रही है तो आपका टेंशन स्पेन बहुत कम है सेकेंड थिंग के जो जन् सी है ये अपनी ज़िंदगी को माइंडफुल रह के नहीं जी रही माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप लम्हा मौजूद में रहते हुए अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को इन्जॉय करते हैं लेट्स पोज कि आप चाय पी रही हैं तो आप चाय की एक एक सिप को इंजॉय करें आप उसके टेस्ट को फील करें आप अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं तो आप अपने बच्चों की प्रेजेंस को महसूस करें कि हाँ यार बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं आप उस वक्त मोबाइल में इंगेज ना हो आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस का काम करते हुए आप पूरी विजिलेंस के साथ काम कर रहे हो आप उस लम्हे लम्हे की कैफियत को भी समझें आप अपने इमोशंस को अपने साथ को समझें आपका दिल और दिमाग जो है वो एक पेज पे हो ऐसा ना हो कि ऑफ़िस का काम करते हुए आप घर के बारे में सोच रहे हैं कि आज खाना क्या बना होगा या आज शाम को मैंने फिलहाल वेडिंग सेरेमनी में जाना है या आप बीवी के साथ बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और वो बात कर रही है और आप उसकी बात सुनी अनसुनी कर रहे हैं आप वॉक करें आप वॉक तो कर रहे हैं फिज़िकली तो आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं लेकिन आप हवा के लम्स को फ़ील नहीं रहे आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को फील नहीं करें हम इस वक्त पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम पॉडकास्ट करते हुए अगर ये नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ आप क्या बात सुन रही हैं तो इसका मतलब यह है कि आप माइंडफुल रह के ये पॉडकास्ट नहीं कर रही तो माइंडफुलनेस का मतलब यह है कि हमने लम्हा मौजूद में रहना है हमने माजी में नहीं रहना माजी में रहने का मतलब ये है कि माजी की यादों में गुम है हम तो जब बच्चे नौजवान कही कहीं ना कहीं बैठते हैं तो या तो वो मादी की यादों में गुम होते हैं या वो फ्यूचर की प्लानिंग्स कर रहे होते हैं या वो फ्यूचर की इमेजिनेशन में होते हैं तो मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो आप लम्हे मौजूद में रहें आप वॉक करें तो वॉक करते हुए आप भरपूर तरीके से आप उस वॉक को एंजॉय करें आप हवा के लम्स को फील करें आप घास की जो ग्रीनरी है उसकी की है आप उसको महसूस करें आप फूलों की रनाई को देखें आप खाना खा रहे हैं बर्गर खा रहे हैं आप पिज्ज़ा खा रहे हैं तो बजाय इसके कि आप स्टोरीज बना बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करें और वो खाना ठंडा हो जाए आप खाने के एक एक बाइट को इंजॉय करें आप अगर पानी पी रहे हैं तो पानी पीते हुए भी उस पानी की जो फील है वो आपको आनी चाहिए सो so इसको कहते हैं लम्हा मौजूद में रहना ठीक है उसमें जो मिलियन डॉलर की बात है कि हमारी आजकल की जो जनरेशन है वो क्यों अपने इमोशंस के हवाले से इतनी आ, इतनी लैक करती है कि उनमें इमोशनल विजिलेंस नहीं है उसकी वजह यह है कि हमें अपने जज्बात का इजहार करना नहीं सिखाया जाता हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता हमें बचपन से हमारे कानों में एक आवाज़ पड़ी कि अपने इमोशंस का इजहार मत करो ताकतवर इंसान वो है जो अपने गु़स्से को पी जाता है जो अपने इमोशंस को दबा लेता है तो इस हवाले से मैं इस फल्स का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ और Uh, मैंने मैंने एक uh, किताब पढ़ी उस किताब में एक राइटर है बेसिकली ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट लेस्ट लेवेंसन तो उसने सी मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया इमोशनल अवेयरनेस और इमोशनल मैनेजमेंट के हवाले से मुझे वो मॉडल बहुत पसंद आया और अगर आप इजाज़त दें तो मैं sure. वो जो सी मॉडल है hmm. देखें जो वेरिया सी मॉडल में एस स्टैंड फॉर सप्रेस कि आपने अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना दबाना नहीं इंटरनालाइज नहीं करना जो भी इंसान अपने इमोशंस को सप्रेस करता है इंटरनालाइज करता है उसके लिए रात को दो बजे एम्बुलेंस आती है hmm. फिर आपको हार्ट अटैक होते हैं फिर आप हाइपर में जाते हैं फिर आपके टेम्परामेंट के इश्यूज़ आते हैं फिर आपके अंदर विक्टम मैंटालिटी डिवेलप होती है फिर आपके अंदर टॉक्सिक पॉजिटिविटी डिवेलप होती है टॉक्सिक पॉजिटिविटी को ऑलरेडी मैंने थोड़ा डिफाइन किया hmm. है कि जब आप इमोशनल डिनाइल में जाते हैं आप अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते फिर आपके अंदर इमोशनल स्टारवेशन पैदा होती है आपके अंदर जस्पाती भूखापन पैदा होता है और ये जो इमोशनल स्टारवेशन है ये आप के अंदर इमोशनल इम्बेलेंस पैदा करती है और वो इंसान जिसके अंदर इमोशनल स्टारवेशन होती है वो इंसान ताल्लुक़ को तरसा हुआ इंसान होता है मेरे पास बहुत से टीन एजर्स आते हैं काउंसलिंग के लिए जो किसी न किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं ब्रेकअप्स को फेस करते हैं तो मैं जब उनकी सारी की सारी नर्चरिंग को उनके घर के माहौल को डिस्कस करता हूँ मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ तो मुझे पता ये चलता है कि वो बच्चे जिनको ये नहीं सिखाया जाता कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना कितना इम्पोर्टेंट है इमोशनल डिनाइल से निकलना कितना इम्पॉटेंट है उन बच्चों के अंदर इमोशनल इम्बेलेंस होता है उन बच्चों के अंदर अफेक्शन डेफिसिट होता है उन बच्चों के अंदर अटेंशन डेफिसिट होता है और ये बच्चे इमोशनल uh, स्टारवेशन की वजह से किसी भी अजनबी शख्स के साथ तल्लक़ में आते हैं चूंकि ये बच्चे तल्लुक़ तरसे हुए बच्चे होते हैं ये बच्चे किसी दूसरे से मोहब्बत चाहते हैं उनके अंदर चाहे जाने की शदीद अर्ज होती है और उस अर्ज को वो फिर अनफ़ेयर मीन से पूरा करते हैं तो मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को यह ज़रूर सिखाना चाहिए कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना कितना इंपॉर्टेंट है और जब आप अपने इमोशंस को इंटरनालाइज करते हैं दबाते हैं तो ये सारी की सारी उसकी आउटकम्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रही होती हैं अब मैं आता हूँ सी मॉडल का जो आ, दूसरा एक्नम है ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस अब हर इमोशन को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते इसलिए मैं अपने व्यूवर से ये कहूँगा कि आपने जब इस सारे सी मॉडल को सुनना है तो आपने पूरा सुनना है ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो, वो कोई एस को सुन के कहे कि भाई अब मुझे अपने बॉस पे या अबा पे गुस्सा आया तो क्या मैं एक्सप्रेस कर दूँ एक्टली फिर तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे तो <coughs> अब आ, एक्सप्रेस किन किन इमोशंस को करना है दो से तीन इमोशंस का खुल के अशार करें मोहब्बत का खुल के अशार करें आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत के जज्बात हैं तो आप उन जज्बात को दबाने के बजाय इंटरनलाइज करने के बजाय आप क्या करें आप उस मोहब्बत के जज्बे का खुल के अजहार करें अब जब भी लव इमोशंस की बात आती है तो हमारे जहन में सिर्फ लड़के लड़की का ताल्लुक आ जाता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मैं कहता हूँ कि बीवी को अपने हस्बैंड से हस्बैंड को बीवी से औलाद को माँ बाप से माँ बाप को अपनी औलाद से खुल के मोहब्बत का इजहार करना चाहिए मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है कि बाप सारी उम्र अपनी उलाद की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपनी जवानी लगा देता है बुढ़ापा लगा देता है लेकिन औलाद को इतनी तोफीक नहीं होती कि वो अपने बाप से ही कह सकें कि बाबा हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं आपने अपनी सारी ज़िंदगी हम पे कुर्बान की माँ सारी उम्र जो है वो किचन में गुजार देती है बुढ़ापे में चली जाती है और औलाद या जो हामंद है वो बीवी से ये नहीं कह पाता कि यार आई एम सो ग्रेटफुल कि तुमने मेरे बच्चों की नर्चरिंग की उनको लुक आफ्टर किया और तुम इतने सालों से हमें आई मीन I mean, हमारी केयर कर रही हो इसी तरह बहुत से माँ बाप हैं कि जो बच्चों की बेसिक नीड्स को तो पूरा करते हैं लेकिन उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं करते मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि अगर आप बच्चे की बेसिक नीड्स को छोटे लेवल पे पूरा कर रहे हैं तो शायद ये बच्चे की लाइफ में ए, कोई इतनी नगेटिविटी डेवलप नहीं होती लेकिन जिस वक्त एक बच्चे की इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं किया जाता तो ये वो बच्चे हैं जो इमोशनली ब्लैंक होते हैं इन बच्चों की जज्बाती जहानत बहुत स्टेक भी होती है और यही वो बच्चे हैं कि जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल सोसाइटी के हाथ में होता है एक तीन तीन महीने का बच्चा अपनी माँ के लम्स से अंदाज़ा लगा लेता है कि मेरी माँ की इमोशनल स्टेट क्या है पैदाइश के साथ ही बच्चा अपने इर्द गिर्द के लोगों के माइक्रो एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगाता है कि मुझे किस तरह ट्रीट किया जा रहा है तो मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ आप बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं बहुत से पेरेंट्स अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस बच्चों के सामने होती है तो क्यों ना हम फैसला करें कि हम मोहब्बत के जो जज्बात हैं उसका इजहार भी अपने बच्चों के सामने करें हम अपनी बीवी से ये कह सकें कि यार मैं तेरे से बड़ा प्यार करता हूँ तू मेरी बड़ी केयर करती है मेरे बच्चों की केयर करती है बीवी हस्बैंड को एक्नॉलेज करे उसकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करे इसी तरह बच्चे डिफरेंट तरीक़ों से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं हमारे यहाँ यहाँ पर हमने वेस्टर्न सोसाइटी से एक चीज़ मुस्तार ले ली है फादर्स डे मदर्स डे देखिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मेरा इस हवाले से ये जाविया नज़र है कि हम जिस मजहब के मानने वाले हैं अगर हम उस फ्रेमवर्क में रहते हुए चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें तो हमारे लिए हर लम्हा मदर्स डे है हर डे फादर्स डे है exactly. और हम पे ये लाजिम है कि हमने न सिर्फ अपने माँ बाप की खिदमत करनी है बल्कि हमारे रवैयों में उनके लिए एहतराम नजर आए उनके लिए मोहब्बत नजर आए मैं ये कहता हूँ कि मोहब्बत के जज्बे का खुल के इशार करें अब इस बात से कोई भी नौजवान ये मिसप्रसीव ना कर ले कि या सिर्फ ने कहा है कि भाई मोहब्बत का खुल के इजहार करें तो मैं अपनी जी एफ को आज ही जाके कह दूँ कि आई लव यू इसका मतलब ये है कि कभी अपने बाप को गले लगा लो कभी अपनी माँ के हाथ चूम लो मैं खुद जब मेरी माँ जी जिंदा थी अल्लाह उनको के रहमत करे मैं अपनी माँ के हाथ चूमता था उनको गले लगाता था उनका माथा चूमता था वो मेरे हाथ चूमती थी यकीन माने कि जब औलाद अपनी माँ बाप को गले लगाती है उनको चूमती है तो माँ बाप की सारी थकन उतर जाती है ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती है कि उनकी औलाद बुढ़ापे में उनसे सारे मोहब्बत करें बहुत से बाप सारी उम्र इस बात को तरस जाती हैं कि उनका जवान बेटा उनको गले लगाए बहुत सी माएँ इस बात को तरस जाती हैं कि उनकी औलाद उनसे सहारे मोहब्बत करे उनको गले लगा ले इसी तरह मैंने देखा है कि बहुत सी बीवियाँ इस बात को तरस जाती हैं कि शोहर उनकी तारीफ कर दे या उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज कर ले इसी तरह बहुत से हस्बैंड्स बहुत से बाप इस बात को तरस जाते हैं कि उनकी औलाद या उनकी बीवी उनके जो सिबलिंग्स हैं वो उनकी कुर्बानियों को एक्नोलिज करें तो इस हारे मोहब्बत खुल के करें हम नफ़रत खुलेआम करते हैं मैं कहता हूँ हमें मोहब्बत खुलेआम करनी चाहिए हमें मोहब्बत का प्रचार करना चाहिए लेकिन ये जो मोहब्बत है ये इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर अंदर होनी चाहिए हम ये नहीं कह सकते कि हम मादर पिदर आज़ाद माशरे को फॉलो करते हुए हम खुलेआम नजायज़ ताल्लुक बनाते हुए हम ये कहें कि जी मोहब्बत का खुल के इहार होना चाहिए तो एक इमोशन जो मैंने किया, के, इसका खुल के सार करें दूसरा है, या जो जब तक आप है आपको मिल, मिलना मिलना exactly. दुनिया में दो ही लोग हैं जिनको स्ट्रेस फ्री लाइफ नसीब होती है एक वो है जो मेंटली रिटार्डेड है और एक वो है जिसकी रूह कब्ज होती है और वो कबर में चला जाता है exactly. जैसे हम साहब कहते हैं ना कि सुकून तो सिर्फ कबर में है वो बीमाल अच्छे होते तो, तो <laughs> ओके okay, सो so, उसमें ये है अगर आप स्ट्रेसफुल हैं अगर आप डिप्रेस हैं तो प्लीज़ फॉर गॉड एक आप अपने इस इमोशन को डिनाई ना करें आप इसको इंटरनालाइज ना करें आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त बड़ी यार बेली सज्जन होना चाहिए कि जिसके साथ आप बैठें और आप बग़ैर किसी झिझक के अपने मन की हर बात कह दें जब आप इमोशनल डिनाइल में जाते हैं जब आप स्ट्रेस में रहते हुए डिप्रेशन में रहते हुए डिप्रेस मूड में रहते हुए आप अपने इमोशंस को इंटरनलाइज़ करते हैं तो फिर आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं मैं उन तमाम मर्दों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो टॉक्सिक मिसकलैनिटी का इजहार करते हुए अपने इमोशंस को एक्सिबिट नहीं करते अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते फॉर एग्जांपल, सोसाइटी सोसाइटी में डोमिनेंस exactly. पे मर्दों को इस तरह रेस किया जाता है कि मर्द तो रोता नहीं है मर्द को तकलीफ नहीं होती मर्द mm -hmm. तो अपने जज्बात का इजहार नहीं करते मर्द तो अपने बच्चों को गले नहीं लगाते mm -hmm. मर्द तो बच्चों को पैम्परिंग नहीं करते सो so, इसको मैं कहता हूँ ये टॉक्सिक मेस्कुलैरिटी है mm -hmm. तो सोसाइटी में मैं मर्दों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अल्लाह ने आपके अंदर भी इमोशंस रखे हैं आपको भी दुख होता है आपको भी तकलीफ होती है आप भी आप भी डिप्रेस मोड में जा सकते हैं आपकी लाइफ में भी देर आर सो मैनी स्ट्रेस लेकिन आप क्या करते हैं कि आप अपनी उस स्ट्रेस को उस डिप्रेशन को किसी के साथ आप शेयर नहीं करते आप उसको इंटरनालाइज करते रहते हैं तो आप लाजमी हर सूरत अपनी लाइफ में कोई ऐसा बड़ी ज़रूर रखें कि जिसके साथ आप बैठ के आप मन की हर बात शेयर कर सकें और अगर आपके अंदर ये ज़रूरत नहीं है या लेट्सपोज अगर आप इंट्रोवर्ट हैं इंट्रोवर्ड्स का सबसे बड़ा मसला जवेरिया ये होता है कि एक तो ये लोग दूसरों पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते दूसरे नंबर पर ये किसी दूसरे के साथ कम्फर्ट फील नहीं करते ये लोग क्या करते हैं ये सोशलाइज नहीं करते ये दोस्तियाँ नहीं बनाते अगर बनाएंगे भी तो कोई एक आधा इंसान इनके लाइफ में होगा जिसकी कंपनी में ये कंफर्ट फील करेंगे तो इंट्रोवर्ट्स क्या करते हैं कि ये अपने दिमाग में चलने वाली बातों को अपने महसूसात को फ़ीलिंग्स को इमोशंस को इंटरनालाइज करते रहते हैं और मोस्टली इंट्रोवर्ट्स आपको डिप्रेस नज़र आएंगे exactly. ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इंट्रोवर्ट्स के अंदर होती हैं क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो कहीं पे भी जाते हैं तो वो जब तक अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस अपने मन की बात को दूसरों के साथ शेयर ना कर लें उनको चैन नहीं आता। exactly. एग्जैक्टली तो मैं ये कहता हूं कि भाई अगर आप स्ट्रेस फील स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो इस चीज का खुल के सहार करें hmm. आपको जेंडर uh, कॉन्शियसनेस नहीं आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं मर्द हूँ अगर मैं ये किसी खास इशू को इवेंट को या अपनी इस इमोशनल स्टेट को दूसरों के साथ शेयर करूँगा तो लोग कहेंगे कि यार ये तो मर्द है मर्द हो के ये रो रहा है मर्द हो के ये छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर रहा है तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा बड़ी ज़रूर होना चाहिए फिर उसमें ये है जवेरिया के कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में बहुत सी अप्रीहेंशंस होती हैं फ्यूचर के ख़ात होते हैं हम फ्यूचर को लेके बहुत परेशान होते हैं द कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर देर इज़ अ फ्री चाइल्ड इकॉनमी और सिचुएशन इतनी अनसर्टन्स हैं किसी को नहीं पता कि भाई अगले ही लम्हे क्या हो जाएगा ऐसा ही है ना मैं तो एटलीस्ट यही महसूस करता हूँ क्योंकि जितने भी पावर कॉरिडोरस हैं उन सर्कल्स में कहीं ना कहीं जो हमारी ड्राइंग रूम डिस्कशंस होती हैं तो किसी को नहीं पता कि भाई ये मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है क्या होने वाला है एक इतनी अनसर्टेनिटी है कि ये अनसर्टेनिटी आपको मज़ीद डिप्रेस बनाती है आपके अंदर आ, फ्यूचर के हवाले से बहुत सी अप्रीहेंशन खदशात पैदा होते हैं और ह्यूमन माइंड तो है ही ऐसा कि ये आपके किसी छोटे से हदशे को बहुत बड़ा करके दिखाता है ये चीजों को एग्जैजेट करता है और साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारे माइंड में आने वाले जो 90% परसेंट ख़दशात हैं वो बेबुनियाद होती हैं उनका हक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और जो 10% परसेंट एप्रीहेंशनस हैं वो आप प्रेगमेटिक अप्रोच के साथ रैशनैलिटी के साथ आप खुद से सवाल पूछें कि ये जो ख़दशा है ये कितना रियल है इसका रियलिटी से कितना ताल्लुक है और आप उसको अपने फ़ेहम के त्रासु में तोलते हुए आप देखें कि अगर ये हदशा जेनवन है भी तो इसका एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा क्या ज्यादा से ज्यादा मेरी को जान ले लेगा भाई कोई आपकी जान नहीं लेता आप जिंदा हैं तो ये मसले भी जिंदा हैं मसले जिंदा हैं तो आपके पास इतना करिश जरूर होना चाहिए कि आप उन मस, मसाइल को एड्रेस कर सकते exactly. हैं सो अगर आप फियरफुल फील कर रहे हैं फ्यूचर के हवाले से आपके अंदर एंग्जाइटी है आप डिप्रेस्ड हैं आप स्ट्रेस में हैं आपके अंदर किसी के हवाले से मोहब्बत के जज्बात हैं तो आप उसका खुल के एसार करें अच्छा आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बतानी नहीं थी चूँकि मेरा गला को इतना साथ नहीं दे रहा लेकिन मैंने कहा बता देता हूँ आपने कभी जवेरिया सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसको बुढ़ापे में इश्क हो जाता है क्यों होता है कभी सोचा है आपने जवानी में उसको इजहार करने का मौका नहीं मिला यस ये आप आपने मिलियन डॉलर की बात की है वो इंसान जो जवानी में अपने इमोशंस को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं करता और वो उनको इंटरनालाइज करता रहता है वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी दिखाते हुए इमोशनल डीनाइल में रहता है बुढ़ापे में जब उसको मौका मिलता है ना कि अब वो सॉवरन है अब वो ख़ुद मुख्तार है अपने मुशी फैसलों में अपनी ज़िंदगी के फैसलों में और वो अब इतना ताकतवर है कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद ले सके उसका जो लोकोस ऑफ कंट्रोल है जब उसके अपने हाथ में आ चुका होता है या उसके अंदर मेंटल मेचोरिटी के साथ साथ इमोशनल मेचोरिटी भी आ चुकी होती है तो फिर वो लोग क्या करते हैं बुढ़ापे में फिर इश्क बेचा स्टार्ट करते हैं तो होना ये चाहिए तो ये बात कि भाई आपके अंदर अगर किसी के हवाले से मोहब्बत के जज्बात हैं तो आप इस्लामिक फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए आप उसका इजहार कर लें अच्छा अब आप देखें ना आपने बात की है कि अपने आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें ठीक है ना तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि अच्छा यार वो इनसिक्योर फील करते हैं कि अगर मैं किसी को बताऊँ कि मैं डिप्रेस हूँ तो उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा मेरा या कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं हमें कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा एक्सप्रेस करने का तो क्या कहना चाहेंगा अच्छा देखिए मैं चाहें बहुत कुछ कहना चाहूंगा जी, जी, ताल्लुक है तो ताल्लुक में होने का मतलब ही ये होता है कि आप उसके साथ बैठते हुए अपने मन की हर बात शेयर कर सके बगैर किसी झिझक के आप शेयरिंग कर सकें जहा पे शेयरिंग नहीं है ना मैं उसको ताल्लुक नहीं कहता ताल्लु का मतलब ये है कि आप उसकी टुगेदरनेस को इंजॉय करते हैं आप उसकी कंपनी में खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं आप अपने मन की हर बात शेयर करते हैं और जब ताल्लुक टूटने पे आता है तो उसका उसकी पहली जो साइन या पहला सिम्टम है वो यही है कि शेयरिंग बंद हो जाती है अब आप चीज़ों को शेयर करने के बजाय अब आप हाइड करना शुरू कर exactly. देते हैं तो एकटेंस का मतलब यह है ताल्लु का मतलब ये है कि शेयरिंग इम्पॉर्टेंट होगी दूसरा यह है कि कुछ लोग इस वजह से भी इनसिक्योर होते हैं कि भाई मैं किसी दूसरे के साथ क्यों शेयरिंग करूं? या तो वो बाई डिफ़ॉल्ट इंट्रोवर्ट्स हैं कि उनके अंदर एक आ, 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 ये एलिमेंट होता है कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है चीज़ों को शेयर करने की तो वो अपने दोस्त खुद होते हैं दूसरा ये है कि कुछ लोग ना माजी के डसे हुए होते हैं उन्होंने किसी पे ट्रस्ट किया हुआ होता है और वो एक क्वेंटेंस डेवलप करते हुए किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं वो शेयरिंग करते हैं और बाद में उनको कोई चीट कर जाता है जब आपको कोई चीट करता है तो आप उस अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे आप ये समझते हैं कि यार हर बंदा ही ऐसा है हर तो अब तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते तो ये है मैटर लेकिन मेरे ख्याल से आप आपके अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल मेचोरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि आप ये समझ सकें कि जिस इंसान के साथ मैं शेयरिंग कर रहा हूँ exactly. क्या वो इस काबिल है कि उसके साथ शेयरिंग की जाए क्या ऐसा तो नहीं है कि आप उसके साथ शेयरिंग करें तो वो इंसान किसी भी दूसरी जगह पे जा कर exactly. बैक बाइटिंग कर रहा हो तो इस हवाले से मैं एक टिप देना चाहूँगा प्रोफेशनल्स को कि आप वर्किंग इन्वामेंट में वर्क प्लेस पर कभी भी कभी भी किसी पे ट्रस्ट मत करें वो इंसान जिसके साथ आप लंच कर रहे हैं जिसके साथ आप कॉर्पोरेट डिनर कर रहे हैं आप उसके साथ कहके लगा रहे हैं तो आपने कभी भी ये परसीव नहीं करना कि मैं इसके साथ चूंकि खाना खा रहा हूँ कहके लगा रहा हूँ गॉसिप्स कर रहा हूँ तो ये मेरा हमदर्द है बेसिकली इमोशनली स्टाफ लोगों का यही मसला होता है कि वो जैसे ही थोड़ा सा किसी के साथ कम्फर्ट फील करते हैं तो वो समझते हैं कि ये मेरा हमदर्द है यही वो इंसान है कि जो दिल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है जबकि कॉर्पोरेट लेवल पे अगर कोई भी इस किस्म का ताल्लुक आपका है तो आप कभी भी अपनी लाइफ की जो पर्सनल चीज़ें हैं वो शेयर मत करें क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि प्रोफेशनल लाइफ में जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करते हैं तो वो लोग आपकी वीकनेसेस को कहीं ना कहीं आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं exactly. तो कोशिश करें कि आप प्रोफेशनल लाइफ में खांसी के <laughs> मसले में वो मेरे माइंड से स्किप भी हो गया लेकिन no मैं शेयर करता हूँ देखें जवेरिया जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना दूसरा मैंने बताया कि ये तीन से चार इमोशंस हैं आप इसका खुल के इहार करें आप इसको एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करें लेकिन कुछ इमोशंस ऐसे हैं कि वो आपने एक्सप्रेस नहीं करने होते आपने उनको एग्जिट करना होता है ये टॉक्सिक इमोशंस होते हैं लेट्स पोज ये जो हसद है ये एक बहुत बड़ा टॉक्सिक इमोशंस exactly. है मैंने ताल्लुक को टूटते हुए घर बर्बाद होते हुए देखे हैं सिर्फ इस टॉक्सिक इमोशन की वजह से फिर एक बड़ा पावरफुल इमोशन है और उस इमोशन का नाम है एंगर एग्जैक्टली exactly. इस एंगर की वजह से मैंने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होते हुए देखी हैं मैंने उनकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ डैमेज होते हुए देखी है मैं पंजाब प्रिजेंट डिपार्टमेंट के साथ भी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करता हूँ एंड आई बीन बीनवाइट एट डिफरेंट सेंट्रल जेल्स तो वहाँ पे जो कत्ल के कैदी हैं उनकी रिहेबिटेशन के हवाले से मैं जब काउंसलिंग uh, करता हूँ उनके उनकी मैं कोचिंग सेशनस करता हूँ तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि बड़े बड़े अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे गुस्से के आलम में किसी को गाली देते हैं गुस्से के आलम में वो किसी की जान ले लेते हैं और उनकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इसी तरह मैंने बड़े बड़े अच्छी फैमिलीज़ के कपल्स को देखा है कि वो क्या करते हैं कि गुस्से के आलम में वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे देते हैं तो अब देखें ये गुस्सा कितना पावरफुल इमोशन है और देखें कभी ऐसा तो नहीं ना हुआ कि किसी ने हंसे मुस्कुराते हुए कहा हो जाते ठीक है गुस्से में कहते हैं ना कि अब देखें आप इमोशनली इतने वीक हैं कि आप उस गुस्से की स्टेट में हाईजैक हो गए हैं और उस उस हाईजैक कंडीशन में आपने क्या किया कि आपने अपनी पार्टनर को डिवोर्स दे दी आप ख़ुद भी बर्बाद हो गए आपके बच्चे भी बर्बाद हो गए बिकॉज़ मैंने ये देखा है कि वो फैमिलीज़ के जिनके बच्चे होते हैं जब डिवोर्स हो जाती है तो बच्चे सारी उम्र जो है वो ए, आ, मतलब बुरे हालात में गुजारते हैं बाप दूसरी शादी कर लेता है माँ अगर दूसरी शादी करती है नहीं करती लेकिन बच्चे बच्चों को वो मोहब्बत शफक़त नहीं मिलती और ये वो बच्चे हैं जो इमोशनली बहुत वीक होते हैं जो इमोशनली ब्लैंक होते हैं जो जिनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती और यही वो बच्चे हैं कि जो बेचारे ताल्लुक से हुए बच्चे exactly. होते हैं तो उस पर मैं ये कहूँगा <coughs> सॉरी उस पर मैं ये कहूँगा जवेरिया के आप अपने नेगेटिव इमोशंस को एग्जिट करना सीखें उसमें जो गुस्सा है ना ये बड़ा पावरफुल इमोशन है hmm. जैसे वो वासिफ साहब फरमाते हैं कि गुस्सा वो शेर है जो तुम्हारे मुस्कबिल को बकरी बना के खा जाता है exactly. और कम रफ़ का गुस्सा उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है और आला झ़र्फ़ का गुस्सा उसकी ज़िंदगी को बना देता है hmm. गुस्सा एक फ्यूल है गुस्सा एक पावर है गुस्सा एक एनर्जी है अगर आप इस फ्यूल को ताकत को एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज कर लेते हैं तो ये आपको बड़ा इंसान बना देता है दुनिया में बहुत बड़े बड़े अजीम इंसानों के पीछे एक खास वक्त में गुस्से की ताकत थी कि उन्होंने उस गुस्से की ताकत को नेगेटिवली चैनलाइज करने के बजाय उन्होंने, उन्होंने पॉजिटिवली चैनलाइज किया उन्होंने अपनी लाइफ को रीडिफाइन किया उन्होंने अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया पर्पसफुल बनाया तो वो किसी ना किसी पिनिकल लेवल ऑफ लीडरशिप को अचीव करके तो जो गुस्सा है ये एक बड़ी पावरफुल चीज है आप इसका मुस्बत इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप इसका मनफी इस्तेमाल भी कर सकते हैं आपको कोई इंसान टॉन करता है फॉर एग्जांपल मैंने देखा है क्लासरूम्स में कई टीचर गुस्से में कह देती हैं कि तुम्हारी तो शक्ल ही नहीं है डॉक्टर बनने की तुम तो कभी आर्मी ऑफिसर बन ही नहीं सकते exactly. तुम्हारी तो बॉडी नहीं है तुम्हारे अंदर तो फिजिकल इंडोरेंस ही नहीं है तुम्हारी शक्ल है कि तुम फाइटर पायलट बन सको तो उस वक्त ना बच्चों को गुस्सा आता है या कई फैमिली में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि जो कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल है कि तुम सी कर सको कभी किसी सी ऑफिसर को देखा भी है वो तो इतने पढ़ाकू इतने जहीन होते हैं और तुम तो मैथ में फेल हो जाते हो तो उस वक्त वो जो गुस्सा होता है ना आपके पास दो चॉइसेस होती हैं एक चॉइस ये होती है कि आप उस गुस्से में रिएक्ट करें और आप कहेंगे जी ये वो और वो और दूसरी चॉइस ये होती है कि आप सेल्फ़ रिफ्लेक्शन करें और आप कहें कि हाँ इन लोगों ने मुझे ह्यूमिलिएट किया है मुझे डिसक्रेस किया है और आप अपने गुस्से को पॉजिटिवली चैनलाइज़ करते हैं आप मेहनत करते हैं आप सी एस एस कर जाते हैं मैं सी एस पीज को पढ़ाता हूँ मैंने बहुत से सी एस सी एस पी अफसरान से पूछा मैंने कहा यार मतलब क्या ऐसा पॉइंट था वो कौन सी कौन सा टिपिंग पॉइंट था कि वेन यू डिसाइडेड कि मुझे सी एस एस करना है तो बहुत से अफसरान ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई आई मीन फैमिली में एक बंदा था उसने बस हमें कहा कि तुम्हारी तो शक्ल ही नहीं है सी एस एस करने वाली वो दुनिया और होती है वो क्लास ही और है तो हमने उस लम्हे ये फैसला किया कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा तो हमने करके दिखाया हमारी गाड़ी पे नीली बत्ती लगी और हम उस गाड़ी में बैठ के फिर उस बड़ी फुफ्फो के घर के बाहर गए ठीक <laughs> है और हमने फिर आई I मीन mean वहां पे कप ऑफ टी लिया और वहीं पुप्फो आज हमें कहती है कि भाई ये आई वॉन्ट टू गेट मैरी माई डॉटर विद यू राइट ये मैंने हर एक मिसाल दे दी है <laughs> तो उसमें ये चीज़ है कि गुस्सा एक पावरफुल इमोशन है अगर आप के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो आप अपने इसी गुस्से को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चैनलाइज करके mm -hmm. किसी मंजिल पर पहुंच जाएंगे भिल्कुल. लेकिन अगर आपके अंदर इमोशनल विजिलेंस ना हुई आप इमोशनली ब्लेंक होंगे mm -hmm. तो आप इस गुस्से की वजह से अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर exactly. रहे होंगे तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन इमोशंस को जो पावरफुल इमोशंस हैं उनको चैनलाइज कैसे कर सकते हैं या हम इनको अपने इमोशनल आर्बिट में कैसे एग्ज़िट कर सकते हैं तो ये जितने भी मनफी जज्बात होते हैं ना टॉक्सिक किस्म के इमोशंस इनको एग्ज़िट करने के हवाले से मैं मिलियन डॉलर की कुछ साइकोस्राफिक टेक्निक्स बताता हूँ उन टेक्निक्स में ये हैं कि अगर कोई भी टॉक्सिक किस्म का इमोशन आपके अंदर डेवलप हुआ हुआ है आपको किसी पे शदीद किस्म का गुस्सा है आप किसी के हवाले से विंडिक्टिव इमोशंस रखते हैं इंतकामी जज्बात रखते हैं आई I मीन mean, आपका दिल करता है कि आप उसको खरी खरी सुनाएं आपका दिल करता है कि आप किसी को फेंटी लगाएं किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है जुलम किया है ज्यादती की है आपके दिल में उसके हवाले से इंतकामी जज्बात हैं आपका दिल करता है कि अगर आपका बस चले तो आप उसको फांसी पर लटका दें तो बेसिकली जब आप अपने इमोशंस को इन विंडिक्टिव इमोशंस को इंटरनलाइज करते हैं तो अल्टीमेटली इसकी मिसाल ऐसे है कि ये आपके अंदर वो सांप है जो आपको ही डसता रहता है वो वो आपको ही काटता रहता है तो आप क्या करें कि आप इन नेगेटिव टॉक्सिक इमोशंस को अपने माइंड और बॉडी से एग्जिट करते हैं आप अपने इमोशनल ऑर्बिट से एग्जिट करते हैं अब वो कैसे करना है साइकोथ्रापिक टेक्निक्स बताता हूँ पहली टेक्निक तो ये है भाई कि आप आंखें बंद करें और आंखें बंद करके आप अपने लेफ़्ट वाले हैंड में कोई वाइट टिश्यू पेपर रख लें कोई वाइट कॉटन रख लें वाइट स्टोन रख लें आंखें बंद करें और आंखें बंद करके आप विजुलाइज करें कि वो जो स्पेसिफिक टॉक्सिक इमोशन है चाहे वो हसद है चाहे वो गुस्सा है चाहे वो इंतकामी जज्बा है वो आपके माइंड और बॉडी से काले धुएं की सूरत में ब्लैक स्मोक की सूरत में वो सारे का सारा निकल के इस वाइट कॉटन या टिश्यू के अंदर आ रहा है और जैसे जैसे अंदर आता जा रहा है ये ब्लैक होता जा रहा है आपने बेसिकली ये विजुअलाइज करना है तव्वर में देखना exactly. है और आप देखें कि दो से तीन मिनट के बाद ये जो वाइट टिश्यू या वाइट स्टोन है ये बिल्कुल काला कालास्या हो चुका है इट हैजर्न इन टू ब्लैक जब ये ब्लैक हो गया तो आप इसको डस्टबिन में फेंक दे वेरी सिंपल सिंपल तो दिस इज द राइट वे कि आप कैसे अपने नेगेटिव इमोशंस को एग्जिट अच्छा, आप इसी तरह वैसे हाँ, मैं अपने कोशिश को करवाता हूँ किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं Sometimes है आप मैं अपना हिसाब किताब जो है हाँ। ना अगर कोई सीन इस तरह का करना हो तो मैं तमीज के दायरे में रहते हुए मैं अपनी बात पूरे तहमुल से पूरे कर्ज के साथ कन्वे करता हूँ बजाय इसके कि आप उस वक्त बात ना करें और आप बाद में सोचते रहें कि काश मैं ये बात कर इसीलिए मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि बच्चों को इस तरह कॉन्फिडेंटली रेस करें कि वो असर्टिवली अपनी बात एटलीस्ट कन्वे करें क्योंकि बहुत सी लड़कियों को मैं देखता हूँ कि वो बातें सुन के आ जाती हैं और बाद में कुटती रहती हैं कि काश मैं उस वक्त जवाब दे पाती मैं उस वक्त क्यों नहीं जवाब दिया ठीक है जरूरी नहीं है कि आपने शाउट करना है आप अगर किसी से बात कर रहे हैं आप सर्टिफली अगर उसको प्रॉपर कंसोलिडेट वे से अगर अपनी बात कन्वे कर सकते हैं आपके अगर आर्ग्यूमेंट में आ, कोई जान है तो दूसरा शख्स आपकी बात को सुनेगा लेकिन उसके उसके लिए शर्त यह है कि आपकी टोन नीचे रहनी चाहिए मसला ये होता है कि हम जब किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हमारी टोन बहुत ऊपर चली जाती है तो आर्ग्यूमेंट जो है ना वो शायद आप जीत जाते हैं फिर आप बंदा हार हार देते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप असर्टिवली अपनी बात कन्वे कर सकें ताकि आपके अंदर वो इंतकामी जज्बात पैदा ही ना हो इस इस तरह मैं ये बहुत से लोगों को कहता हूँ कि एक साइकोथ्रापिक टेक्निक है कि आप क्या करें कि आपको किसी भी शख्स से नफ़रत है आपके अंदर नफ़रत के जज्बात हैं शदीद गुस्सा है इंतकामी जज्बात उबल रहे हैं आप उससे बदला नहीं ले सकते तो आप क्या करें कि आप कॉपी पेंसिल पकड़ें और आप लिखना शुरू कर दें उस शख्स ने जो भी आपके साथ जुल्म किया ज्यादती की आप सारी की सारी लिखें और जिस तरह आप उससे बदला लेना चाहते हैं वो भी लिखें अगर माइंड में अब्यूसिव लैंग्वेज भी आ रही है वो भी लिखते हैं लिख के तो अब आपने अपना लिखा हुआ आप आपने उसको पोस्ट नहीं करना ठीक है वरना चीज़ें और ख़राब exactly. हो जाएंगी आपने क्या करना है आपने उसको एक दफ़ा पढ़ना है पढ़ के आपने उसको फाड़ना है फाड़ के आप उसको डस्टबिन में फेंक दें राइट ये ये एक बड़ी मिलियन डॉलर की थेरापी है जो मैं अपने कोशिश को करवाता हूँ और इसके बहुत अच्छे नतज हैं इससे आपका माइंड जो है वो डीक हो जाता है exactly. आपका माइंड क्लियर हो जाता है आप अपने इमोशंस को अच्छे अंदाज़ से चैनलाइज कर लेते हैं एग्जिट कर लेते हैं फिर इसमें आ, मैं एक बात कहा करता हूँ कि सरा आल इमरान में रब की दात फरमाती है कि अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद हैं जो दूसरों के कसूर को माफ कर देते हैं देखें अगर आप आला झरफ़ हैं अगर आप का जो स्पिरिचुअल कोशन है वो इतना स्ट्रॉग है कि आप समझते हैं कि माफ करना जो है वो कितनी बड़ी सिफत है और अल्लाह ये फरमाती है ना कि अगर तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें मुआफ़ करूँ तो तुम मेरे बंदों को माफ़ कर दो तो अगर तो आपका इतना बड़ा ज़र्फ़ है तो सबसे बेहतरीन बात तो यही है कि जिस किसी ने भी आपके साथ ज़्यादती की है आप उसको मुआफ़ कर दें और मुआफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ वर्बली कह रहे हैं कि जी जाओ मैंने आपको मुआफ़ किया माफ़ करने का मतलब यह है कि अब आपने उसको दिल से मुआफ़ किया और मुआफ़ करने के बाद आपकी ज़ुबान पे उस शख्स के हवाले से कोई शिकवा और शिकायत नहीं है हमारा प्रॉब्लम यह होता है कि हम ज़ुबान से तो कहती हैं कि जाओ मैंने तुम्हें तो माफ़ किया लेकिन वो शख्स जब भी हमें मिलता है या जब भी उसका ज़िक्र होता है तो हम माजी के सारे के सारे चैप्टर्स को दोबारा से खोलते हैं हम उसकी माजी की सारी की सारी गलतियों को दुखराना शुरू कर देते हैं तो इसलिए माफ़ करने का मतलब ये है कि दिल से मुआफ़ करें और जब आप किसी को मुआफ़ कर देते हैं तो आप बहुत ताकतवर पोजिशन में होते हैं जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप ख़ुद बड़ा हल्का और रिलेक्स फील कर रहे होते हैं लेकिन जब आप किसी को मुआफ़ नहीं करते आप किसी के लिए दिल में ग्रजिस पैदा करते हैं तो वो ग्रज पैदा करना बेसिकली आपको मेंटल टॉर्चर मिल रहा होता है आप इमोशनली ब्लीड कर रही होती हैं तो कोशिश करें कि मुआफ़ करें और इतना इंसान में ज़रफ़ होना चाहिए अच्छा मुआफ़ करने में और दोबारा चांस देने में कोई फ़र्क है लाइक कहते हैं ना कि मोमिन एक ही बिल से दो दफ़ा नहीं डसा जाता तो ये जरा हमें बताएं देखें इसको ना हम वाइट एंड ब्लैक में डिस्कस नहीं कर सकते कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो एक ओवरऑल सोसाइटी के लिए एक जेनेरिक स्टेटमेंट तो होती है लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज सीयर राइट मोमिन एक सुराग से दो बार नहीं डसा जाता तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी भी इंसान की लाइफ में क्या ऐसा इवेंट है और उस इवेंट की बुनियाद पे क्या उस इंसान को दोबारा उस शख़्स से वही मामला करना है या नहीं करना तो ये वेरी करता है केस टू केस एग्जैक्टली पहली बात दूसरी बात ये है कि मुआफ़ करने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में आ, लोग अपनी ईगो की वजह से कई कई साल छोटी छोटी सी बात पर किसी को मुआफ़ नहीं करते और ताल्लुक ख़राब होते हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बहुत बड़ा इशू हो अगर किसी ने आपको बहुत मैक्रो लेवल पे नुकसान पहुंचाया हो तो फिर तो बात समझने में आती है कि जी आप किसी से नाराज़ हैं और आप उसको मुआफ़ नहीं कर रहे लेकिन हमने देखा है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ्स हैं प्रोफेशनल लाइफ्स हैं वहाँ पे अगर एक शादी पे आ, किसी ममानी को किसी फुफ्फो को किसी हाला को आपने दुल्हे की गाड़ी में नहीं बिठाया <laughs> तो वो इस वजह से नाराज़ हैं और अब वो कह रही हैं कि मैंने ज़िंदगी भर आपको मुआफ़ नहीं करना ठीक है या छोटी छुड़ छोटी बातें हैं या एक भाई है दूसरे भाई के साथ कोई छोटी सी बात हो गई है तो वो अब दोनों नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैंने आपको मुआफ नहीं करना राइट तो छोटी छुड़ छोटी चीजें हैं छुड़ छोटी छोटी चीज़ों पे हम अब उस ताल्लुक में ईगो को ले जाते हैं exactly. और हमारा जो इनर सेल्फ है वो हमें कह रहा होता है कि यार इस ताल्लुक को रिस्टोर करो लेकिन ईगो कहती है कि नहीं अगर उसने ताल्लुक को रिस्टोर करना है तो उसकी नाक पहले ज़मीन पे रगड़नी चाहिए उसको पहले पहल करनी चाहिए पहल तो उस पहल के नतीजे में होता यह है कि ताल्लुक टूट जाता है आपकी ईगो जीत जाती है अब ये मियाँ बीबी के तल्ल में भी ऐसे ही है कि छोटी मोटी मिस्टेक्स तो होती रहती हैं और आप उन मिस्टेक्स को वर्बली तो कह देते हैं कि मैंने मुआफ़ किया लेकिन आप मुआफ नहीं करते और जब भी कोई नया मसला आता है तो आप कहते हैं तुम हमेशा से ऐसे करती हो तुम करती ही ऐसे और फिर आप पुरानी बातें भी सारी जो है ना वो खोलते हैं कि अच्छा तुमने फला जगह पे ये किया फला जगह पे ये किया और आप अपनी कुर्बानियों को गिनवाते हैं और दूसरे शख्स के आप पुराने चैप्टर्स को आप खोल के रखते हैं तो इससे ताल्लुक फिर खराब होता है या अगर ताल्लुक में कोई बिगाड़ आया है तो अब आपकी ईगो है जो आपको कह रही है कि नहीं नहीं मैं क्यों मैं क्यों अगास क्यों क्यों आगाज करूं वो करे तो ईगो जो है ये बेसिकली आपकी समझ लें कि कि आप आप इमोशनली इतने वीक हैं इस टॉक्सिक और नेगेटिव इमोशन को मैनेज नहीं कर पा रहे थैंक यू सो मच सर आज के पॉडकास्ट के लिए आपकी तबीयत ठीक नहीं थी आपने फिर भी इतना माशाल्लाह हमें एक्सप्लेनेशन दी है हाँ नहीं वो, तो इसलिए भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है की मेरी हमेशा से एक एफर्ट रही है कि आप कोई भी काम करें तो आप कोशिश करें कि आप उस काम को नियर टू परफेक्ट करें exactly. और इस पे वो बड़ी अच्छी एक बात किसी ने कही कि आप कोई भी काम करें तो उस काम में इतनी एक्सीलेंस लेके आएं कि कायनात की हर चीज़ उस काम को देखते हुए कहे कि वाह यार इस बंदे ने क्या काम किया तो एनी दूसरी वजह यह भी थी कि हमारे पास इसको जाए। अब हम पॉडकास्ट क्लोज करते हैं आज का तो ज्यादा ज्यादा एक हाफिज कह दू और जाने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आपने आजकल आज बहुत कुछ सीखा होगा इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से तो काइंडली अपने इमोशंस को सप्रेस मत करें डिनाइल स्टेज से निकल आएँ और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखें कि आप इंसान हैं और ये आपकी नीड है तो इसके साथ थैंक यू सो मच